फ्रेंड, आप लोग देख सकते हैं हम दोनों आए हैं तालाब और यहाँ से घोंगली निकालेंगे तालाब से। तो ब्लॉग में आप लोग बने रहिए, चलिए दिखाते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड तालाब, ये देखिए कितना बड़ा तालाब है और यहाँ से घोंगली निकालेंगे। बड़ा साइज का घोंगा, छोटा साइज का, तो यहाँ पर दोनों साइज का घोंगा मिलता है। और पहले से पानी भी कम हो चुका है क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है तो पानी सूख चुका है। अभी बारिश वारिश नहीं हो रहा है इसलिए पानी बहुत कम हो गया है। और ये देख सकते हैं हम उतर चुके हैं तालाब में और बेटी ऊपर में है, बैठी हुई है। और ये देख सकते हैं दो और आई है लेडीज़, बगल गांव की है, तो वो दोनों भी आई। तो वो लोग बहुत अंदर तक घुस गई क्योंकि हमको अंदर जाने में डर लग रहा है। बहुत सारा तालाब में कांटा वगैरह है, झाड़ी, जो डाल, पेड़ का डाल सब काट के इसमें डाल दिया था जो मछली पालने के टाइम में, ताकि कोई इसमें जाली ना फेंक सके। तो इसीलिए थोड़ा सा सावधानी से हम अंदर जा रहे हैं, डाली वगैरह है। और ये ना बहुत सारा चीज़ अंदर में है, कांच वगैरह, बोतल वगैरह, तो बहुत सावधानी से घोंगा को निकालना पड़ता है। और बहुत दूर में एक घोंगा मिलता है, जैसे कि एक मीटर तालाब में इसे खोज रहे हैं हाथ से, आप लोग देख सकते हैं, तो बहुत दूर में एक मिलता है क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा था, अभी कम हो चुका है। गर्मी का मौसम है तो अगल बगल के गांव के लोग रोज आते हैं घोंगा निकालने के लिए, तो बहुत ज़्यादा पहले था, अभी कम हो चुका है। डेली निकालता है तो कम हो चुका है। तो ये देख सकते हैं फिर हम अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं उन दोनों को देख के। वो दोनों देखिए डूब के घोंगा निकाल रहे हैं, पूरा गर्दन तक पानी नहीं है, कमर तक है, लेकिन जब पानी में बैठना पड़ता है ना, ज़मीन तक हाथ को नहीं पहुंचता है तो बैठना पड़ता है, इसीलिए पूरा गर्दन तक डूबना पड़ता है, पूरा शरीर को डुबाना पड़ता है। तो ये देख सकते हैं हम धीरे धीरे अंदर तक जा रहे हैं क्योंकि इधर तो हम खोजें नहीं मिल रहा है, तो सोच रहे हैं कि अंदर तरफ अगर घोंगा मिल जाए ज़्यादा। तो आप लोग देख सकते हैं एक मछली भी मिला है, ये देखिए। और बहुत टाइम लगा, करीब हम 10-11 बजे, वहाँ 11 बजे से हम खोज रहे हैं घोंगा निकाल रहे हैं 3 बजे तक, तो थोड़ा बहुत मिला क्योंकि हम लोग 3 आदमी थे और बगल वाला गांव से 2 लेडीज़ आई हुई थी हम, और थोड़ा अभी घोंगा कम हो चुका है तालाब में। तो ये घर लेके आए और नानी इसको निकाल रही है, देख रही है कि इतना लेट हो गया, तो बहुत ज़्यादा लेके आई होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं मिला, कम मिला। तो सबसे पहले इसको उबालेंगे गर्म पानी में, तब इसका जो मांस है निकालने में आसानी होगी। ऐसे भी पत्थर से इसको छेच के, पत्थर से इसको उसका जो ऊपर का ढक्कन है उसको निकालते हैं, लेकिन हम लोग उस पत्थर से छेच के नहीं निकालते हैं। पहले हम लोग गर्म पानी में इसको उबालते हैं और सुई लेके, सिक्टी पिन लेके आसानी से उसका अंदर का मीट को निकालते हैं। तो ये देख सकते हैं पानी मैंने डाला और उस पानी में इस छोटा वाला घोंगा को डाल दिया और करीब इसको 10 मिनट तक उबालेंगे। 10 मिनट उबालने के बाद फिर इसको उतार देंगे और ठंडा होने तक छोड़ देंगे, इसके बाद फिर इसका मीट को निकालेंगे। तो ये देख सकते हैं आप इसको उबालने देते हैं कुछ देर के लिए, और ये देख सकते हैं ये अच्छी तरह से उबल चुकी है और पूरा फैन फैन हो गया है, अंदर का जितना भी कचरा वगैरह है सब निकल चुका है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, फिर इसको हम नीचे उतारेंगे। उतारने के बाद बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा है और एक हाथ से फ़ोन पकड़े हैं, एक हाथ से इसको निकाल रहे हैं, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी। तो ये देख सकते हैं इसको ठंडे पानी से अच्छी तरह से धो लेंगे, जितना भी इसके अंदर में कचरा वगैरह है सब अच्छी तरह से साफ हो जाएगी। तो ये देख सकते हैं इसको साफ कर रहे हैं और ठंडा भी तब तक हो जाएगा, ठंडा पानी से इसको धो रहे हैं तो थोड़ा ठंडी हो जाएगी, तो हमको मीट इसका निकालने में आसानी होगी। और
ये देख सकते हैं, इसको ठंडा होने के लिए थोड़ी देर छोड़ देंगे। और ये देख सकते हैं भतीजी और बेटी इन मीट को निकाल रहे हैं, इसका अंदर का जो मांस है उसको निकाल रहे हैं। और इसको निकालने के बाद अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के इसको धोना पड़ेगा। तो ये देखिए अच्छी तरह से इसको धोए, इसका जो खाली मुंडी ठोलिए हैं और पीछे का जो रहता है पीछे का अंग उसको निकाल के अलग कर दिए, ये खाली मुंडी। और इसको तेल में फ्राई कर रहे हैं, तेल डाल के 5 फोड़न लगा के और इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। इसे तो सीझा हुआ आधा मांस तो ये पूरा रेडी हो चुका है, तो तेल में फ्राई करके नमक वमक दे के, और हम आज बनाएंगे बेसन दे के, इसमें बेसन दे के, ये देखिए बेसन दे के बनाएंगे। ऐसे भी आलू वगैरह दे के भी बना सकते हैं, प्याज वगैरह दे के, लेकिन हमको खाने का मन कर रहा था बेसन दे के। इसी तरह ही बनाते हैं और बहुत टेस्टी लगता है बेसन दे के। तो ये देख सकते हैं बन के रेडी है, और हम लोग अभी दोपहर का खाना खा रहे हैं। दोपहर में ही दोपहर के 5 बजे आज को खाना खा रहे हैं, क्योंकि 3 बजे तो वो घोंघा लेके आए, फिर उसको साफ किए बनाए, तो ऐसे करते करते 5 बज गया। तो आज दोपहर का खाना पूरा 5 बजे, 1 बजे का खाना 5 बजे खा रहे हैं। और ये देख सकते हैं इस बेसन देके बनाए, और हम तो बहुत बड़ा बर्तन में खा रहे हैं, सबसे बड़ी बर्तन, क्योंकि थाली नहीं था, थाली तो हम थाली में नहीं खा रहे हैं, हम बहुत बड़ा बर्तन में खा रहे हैं, इससे लगेगा कि हम बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं, और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोग कैसे बनाते हैं। और घोंघा खाना चाहिए, ये आँख के रोशनी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। ऐसे भी मेरा आँख का रोशनी बहुत कम हो चुका है, और दवाई भी चल रही है, चश्मा भी हमको डॉक्टर ने दिया है। तो सोच रहे हैं कि जिस चीज़ से रोशनी थोड़ा सा बढ़ेगी तो उसी चीज़ खाने का कोशिश कर रही हूँ। इसीलिए हम बहुत दूर था तालाब, फिर वहाँ जाके घोंघा निकाल के लाएँ, और फिर वही बना के हम खा रहे हैं। और खाना भी चाहिए, बहुत कोई नहीं खाते हैं घोंघा, पसंद नहीं है, लेकिन हम लोग खाते हैं। और हम लोग का गांव में तालाब है, लेकिन उसमें घोंघा नहीं मिलता है, लेकिन बहुत दूर दूर हम लोग जाते हैं, 5 किलोमीटर पैदल जाके, और जहाँ जो तालाब में घोंघा मिलता है वहाँ से चुन के लाते हैं, 1 बोरी करके लाते हैं, और उसको फिर पानी में डुबो के रखते हैं, जब मन होता है खाने का तब उसको निकाल के फिर बना के खाते हैं। तो ऐसे करके हम लोग लेके आते हैं। और नानी भी बोल रही है कि घोंघा खाना चाहिए, अब इसमें रोशनी बढ़ेगी और ये आँखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, तो इसीलिए घोंघा खाना चाहिए। अगर नहीं तो महीना में 2-3 बार खाना चाहिए, और जब मिलेगा तो ना, अभी बाज़ार में भी बिकता है, बाज़ार में भी लेके आता है, जो मछली बेचने वाले जो आंटी लोग होती है वो लोग भी ये घोंघे लेके आती है, और वो लोग भी। तो आप लोग का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा।